10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में पिछली बार गई, अभी लोकसभा के लिए क्या आपके पास कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी पार्टी ने बनाई है या आप लोगों को कोई स्पेशल प्लान है कि कैसे लोगों तक पहुंचे? नहीं, कर ही रहे हम तो घर घर जा ही रहे हैं। नहीं, उन कार्यक्रमों के अलावा कोई बैकएंड से स्पेशल ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि लोकसभा को कैसे टारगेट किया जाए? लोकसभा क्या, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी, और जब क्या फैसला जो विपक्ष इकट्ठी हुई है उनका क्या होता है, एक अच्छा कदम है, शुरुआत अच्छी है, देखते हैं अच्छा रहेगा। आपको इंडिया गठबंधन, आपको लगता है कि अगर मजबूती से एक साथ लड़े तमाम दल तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। लोकसभा में तो ठीक है, मजबूती देने के लिए तमाम एक साथ दल हो गए, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है अभी बीजेपी से नाराज है तो चलिए इस बार शायद कांग्रेस को मौका दे दें, तो हरियाणा में क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि लोगों को थोड़ी अभी कंफ्यूजन है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे इंडिया। लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है हरियाणा में, जहां तक हरियाणा का सवाल है। मैं अभी आपको बताया था, लोग मन बना चुके हैं, हमारा भी राजनीतिक बहुत तजुर्बा है, 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि अब के कौन, क्योंकि 10 साल की हमारी उपलब्धि भी देखी, 10 साल के इनके कार्य भी देखे, आज की सारी इनसे 10 साल में इस मौजूदा सरकार से, हरियाणा की सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, या शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग विमुख है, क्योंकि कोई भी एक भी सरकार ने जनहित का फैसला नहीं किया, बल्कि प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया।